जैसी जाकी भावना प्रभु व्रत देखी तिन जैसी। तो भक्त हैं जब भावना में जगत है और जगत के मूल में भगवान है तो सिया राम जग जानी करु प्रणाम जो जुगानी इसमें क्या घाटा जाता है। वो तो सचमुच में नहीं मर रहा, सचमुच खून नहीं था तभी खून निकला और मर गया। तो झूठ मूठ में साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो तो मर जाता है। और झूठ मूठ में भी खबर मिलती कि तुम्हारे बेटे का प्रश्न ताकि उसी दिन उसका बेटा जेल में गया और उसने प्रश्न हुआ है जयराम जी की, तो उसने पार्टी। तो ईश्वर की सृष्टि में चाहे कुछ हो आपके साइकोलॉजिकल जैसे व्यक्ति आपको ईश्वर की दुआ ऐसी दिख। सब जग ईश्वर रूप है भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जहां की भावना तैसो ही फल हो। ठीक है, तो भावना करने में न परिश्रम है न योग्य हानि, और सी भावना करने के सारा जगत ईश्वर में है तो अब भक्ति की भावना। विचार की भावना से सारा जगत दुख रूप है, जो संसार से मजा लेने जाता है उसको विचार की भावना की जरूरत है। आखिर क्या दुख रूप है संसार, लेकिन संसार से सुख लेना नहीं चाहता। संसार की गहराई में भगवान चिंतन करके भगवान जगाना है, इसके लिए भगवान सारा भगवान में है ये भक्ति की भावना भी सही है। और जो भोग नजर से संसार को देखता है उसके लिए कि संसार दुखमय है, उठाया फूल जल्दबाजी से तेरा कतवर बैठी मशहूर मुखिया नाटक ले मजा। तो जो जयवादी संसार मजा लेने कर रहे हैं उनके लिए संसार दुख रूप है, लेकिन जो सेवा करके अपना कल्याण करना चाहते हैं उनके लिए संसार भगवान रूप है। सब घट मेरा साईया सब घट घट को खाई घटना बलिहारी वो घट की बलिहारी घट प्रगट हो गटा। एकनाथ जी महाराज कावड़ पे ले जा रहे थे हिमालय से चेतुबा में, रास्ते में गधा बीमार बेचारा तड़फा था प्यास से। बोले सब घट मेरा साईं तो ये मेरा साईं प्यासा मर रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो अधमुए गधे का सिर अपने गोद में रखकर उसका मुंह खोल के कावड़ वाला बांध था एकनाथ ने पिलाया। दूसरे कावड़ वाले ने कहा कि ऐसा आदमी भगवान के लिए पैदल यात्रा करते हुए महीन भर पैदल गधा क्या दे देगा तेरे को। बोले गधा कुछ दे दे ऐसा नहीं, गधे के भी मेरा ठाकुर जी। एकनाथ जी की जो ऊंटी वो दूसरे कावट वालों का तो नाम भी मैं नहीं जाना, उसकी भावना को फल मिला दिया। नाम दराज एक रात को गुजर रहे तो कहीं पेड़ के भूत का ढा क्या रहा है, चलो इसको डराओ घुस ले डराते पूछते। बहुत लंबा लंबा छह पुरुष बन गया भूत, तो मैं भी नहीं मानता था। एक बार मैंने भी आंखों से भूत देखा, माना कि है योग वशिष्ठ तो आती है बात के है भूत। सात्विक स्थान राजस्थान में राजस कलेरों में कहीं कहीं रहते हैं, अगर जाते प्रेत के भटकते हैं, जिनका क्रिया कर्म नहीं हो भी प्रेत के भटकते हैं। बिल्कुल सच बात, लंबा 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 लंबी लंबी हाथ भुजा है, लंबा लंबा सिर लंबा लंबे खाया। नामदेव ने कहा भले पधार लंबकनाथ, भले पधार लंबकनाथ। हरे बोल करके नहीं भागे, उन्होंने तो सुन रखा था सियाराम में सब जाने सबकी गहराई में पर कितना है। भले पधारो लंबकनाथ, भले पधारो लंबकनाथ। भूमि लो आकाश लो मात, धरो पैर और आकाश तो था। भूमि लो चरण आकाश लो मात, योजन भर के लंबे हाथ। भले पधार लंबकनाथ, भले पधारो लंबकनाथ। सुन कादी गुण तुम्हारे आए, मुझ दास को करो सना, दर्शन दो मेरे नाम ले पधारो लंबनाथ। भगवान ने देखा ये तो गुतड़े में भी तो दे रहा है, अब क्या चलो बाबा हो जाओ प्रगट। भगवान वहां प्रगट है, भूखा उद्धार गया, नामदेव को दीदार हो गया। यू नो यकीन होता है ना तो कभी टीम में से भगवत में से भी फायदा जाता, डिस्टिल वाटर से भी फायदा हो जाता है इंजेक्शन, डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन, फल इंजेक्शन से भी फायदा हो जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग किए थे, किसी आदमी को किस डॉक्टर ने से कहवा दिया कि भाई तुमको टीबी है, चला नहीं तर बोले चेकआउ देखा जहां चेक करते कहो टीबी बाप है। थोड़े दिन आदमी को टिकट डाउन हो गए,
बोले वो सेकंड दूसरे दर्जे में हो गए, अब थर्ड क्लास है, तीसरे दर्जे की टीवी हो, उस आदमी को तीसरे दर्जे की डॉक्टर करे, बोले बड़ी एडमिट फलाना डॉक्टर करेगा, उस पर फलाना डॉक्टर बोल दिया कि वाटर ही भरा नहीं रंगीन कोई नहीं, और बोले बढ़िया दवाई तुम ठीक हो रहे हो, ठीक है ठीक रहो, वो फिर चेकअप तो ठीक हो गया। तो शारीरिक बीमारी 5-10% होती है, बाकी 99% तो मन से ही बीमारी के कण बन जाते हैं, मिट जाते हैं। एक ऐसा प्रसिद्ध आदमी था रिटायर, फिर वो ऑब्जर्वेटरी में काम करने वो देख इंटरेस्टेड हो गया। डॉक्टर ने पूछा कि तो बूढ़े हो गए, रिटायरमेंट लिया, इतना काम करो एक्स्ट्रा और ये कर रहे हो, बोले मेरे को बिजी रहने में थकता है। तो क्या तुम इतने बूढ़े हो को बिजी नहीं कर, बोले तुम तो चेक लो, तुम इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे पास में ही है, ब्लड टेस्ट किया, वो चेक किया, वो क्या रहे, दुनिया भर की बीमारी शरीर से विषय विष, फिर भी उत्साह के कारण और प्रसन्नता के कारण विष नाश करने के लिए उतनी थी तंदुरुस्ती चली रहा था। तो अध्यात्म शास्त्र कहता है कि झूठ मुठ की बीमारी हो सचमुच की बीमारी हो, लेकिन अब तक बीमारी नहीं पहुंचती है तो बीमारी का प्रभावित जाता है। आप अपने को रोग होते समय भी अपने अंतरात्मा चैतन्य को सदा निरोग मानो, रोग को लग ही नहीं सकता। रोग है तो सर में है, रोग है तो हाथ में है, पैर में है, शरीर है, अशांति है तो मन में है, और मन की अशांति से जुड़ो मत तो अशांति भागेगी, टेंशन से जुड़ो मत को एक्सीलेटर नहीं मिलेगा तो कहां बनेगा। तो इस प्रकार जीने का ढंग तो बताता है आध्यात्मिक जगत, साथ में मुक्त होने का ढंग भी बताता है कि अपने मुक्त स्वभाव को जानो। एक महात्मा इतने बैठे हैं, वाले ने देखा कि हमारे जो उड़द बड़े हिल जाती घूमते हुए, अब कई बार चोरी जा खेत में खड़े के पास ही बैठा, तो किसान पता नहीं कि सच्चा आदमी है, किसान ने तो देखा कि कई बार मटी होंगे, कोई जाट जाट पढ़ा जैसा धड़ा के महात्मा को जमा दिया, जमाली तो महात्मा भाई ये कहा करो करो भाई तुम चोरी चोरी तो नहीं करते, अभी यहाँ से गुजरे थोड़ी देर बैठे थे ऐसे हो के, बोले हम तो समझे तेरे हमारे खड़े में से कुछ तुम भर रहे हो, लेकिन देखा कि हमने गलती की है, वो दुखी होने लगा। महात्मा तो महात्मा बोले भाई दुखी क्यों होता है, जब लग गई तो लग गई, हमें एक तो इधर दुख रहा है फिर दुखी क्यों होता है, अब तो हाथ समझ के नहीं चोर समझ के मारी थी लट्ठी, मैं तो चोर समझ के मारी थी, तो बोले चोर को मार तुमने मेरे को कहा मारी के पाप, किसान का हृदय पिघल गया, ये तो बोला नहीं भाई, किसान गया अस्पताल में ठीक में नौकर चाकर लगाए और फिर दूध घर में बनाया, हल्दी डाली, महाराज को पट्टी पट्टी हुई दूध पिला रहा है, एक नौकर पंखा आ रहा है, महात्मा उन नौकर सामने देख कर जब